इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जब आईफोन पे कोई कॉल करता है और उस पे आपको वाइब्रेट महसूस होता है, वाइब्रेट पता चलता है और आप चाह रहे हैं कि आईफोन के वाइब्रेशन को बंद करें, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको चले जाना है अपने सेटिंग्स में, आईफोन के सेटिंग्स में। और जब आप आईफोन के सेटिंग्स में जाएंगे तो इस तरीके से आपको, इस तरीके से हम पहले बैक कर लें, हमने देखिए। तो आईफोन के सेटिंग्स में जब जाएंगे, हम फिर से दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपको आईफोन के सेटिंग्स में जाना है और जब आईफोन के सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है साउंड एंड हैप्टिक्स। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप साउंड एंड हैप्टिक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिंगटोन। तो आपको रिंगटोन पे क्लिक करना है। जैसे आप रिंगटोन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देख रहे हैं वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन पे जैसे जाएंगे तो वाइब्रेशन पे जाने के बाद ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सिंक्रोनाइज। तो इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिखाई देता है वाइब्रेशन को हटाना है। तो यहाँ पे नन का ऑप्शन दिखाई देता है, तो नन पे जाना है। नन पे जाते ही आपका जो है यहाँ से वाइब्रेशन बंद हो जाता है। कॉल करेगा तो वाइब्रेशन पता नहीं चलेगा। तो यही इसका प्रोसेस है और तरीका है। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।